शहर के सूरजपुर गेट बाहर बालाजी बगीचे में स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में शनिवार से 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शनिवार सुबह बालाजी मंदिर में प्रातः 8 बजे घट स्थापना की गई। महंत उमेद शर्मा के सानिध्य में की गई घट स्थापना के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से ध्वजा की स्थापना हुई। स्थापना से पूर्व ध्वजा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई। इसके बाद बालाजी महाराज के जयकारों के साथ ध्वजा की स्थापना हुई। घट स्थापना और ध्वज स्थापना के दौरान पंडित प्रभुशरण शास्त्री, महंत उमेद शर्मा, विष्णु लड्डा, विष्णुकांत गुप्ता, श्याम पारासर, रवि जैन और दिनेश शर्मा सहित अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंदिर में रविवार को सुबह 9 बजे से अखंड रामायण पाठ शुरू होगा, जिसकी पूर्णाहुति सोमवार को शाम 7 बजे होगी। इसी प्रकार मंगलवार को सुबह बालाजी का तेलाभिषेक और सुबह 10 बजे हवन, शाम 7:30 बजे बालाजी को 1.5 किलो वजनी चांदी का मुकुट धारण करवाकर महाआरती उतारी जाएगी। इसी प्रकार रात 8:30 बजे से भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंदिर महंत उमेद शर्मा के अनुसार शहर के सूरजपुर गेट बाहर बालाजी की बगीचे स्थित में ब्रिटिश काल में 1838 में प्राचीन बालाजी मंदिर की स्थापना हुई थी। इस दौरान पंडित सेठमल शर्मा मंदिर पुजारी के रूप में मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। मंदिर की स्थापना के बाद से सन 2009 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ब्यावर शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने मंदिर के प्रथम पुजारी सेठमल शर्मा को ताम्रपत्र भी भेंट किया था। वर्तमान में प्राचीन बालाजी मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन हेतु आते जाते हैं।